DH News, सबसे अलग। नमस्कार, VS News देख रहे हैं आप। आज VS News में हम बात करने वाले हैं दो फिल्मों के बारे में। एक फिल्म है शुभ मंगल ज्यादा सावधान, तो वहीं दूसरी फिल्म है भूत। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल आयुष्मान खुराना और जीतू की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान के साथ ही विक्की कौशल की भूत ने बॉक्स ऑफिस पर एक ही दिन दस्तक दी थी, यानी कि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। एक LGBT के समाज की कहानी को बताती है, तो वहीं दूसरी डर यानी हॉरर स्टोरी को बताती है। यहाँ आपको बता दें कि दोनों ही फिल्मों की शुरुआत यानी कि जो ओपनिंग है वो काफ़ी धीमी रही है, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन की बात की जाए तो आयुष्मान की फिल्म में तेजी से भागते हुए या यूं कहें छलांग लगाते हुए विक्की के भूत को पछाड़ डाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये शुभ मंगल ज़्यादा सावधान फिल्म विक्की के भूत से आगे निकल गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डर के आगे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान है। दरअसल इन दिनों दर्शक भूत से ज्यादा आयुष्मान और जीतू की गे लव स्टोरी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोनों फिल्मों के रिव्यू की बात करें तो क्रिटिक्स ने शुभ मंगल ज्यादा सावधान को 3 स्टार दिए हैं, तो वहीं भूत को काफी खराब रेटिंग मिली है, और जिसका सीधा असर इसके कलेक्शन पर देखा जा सकता है। शुभ मंगल ज्यादा सावधान का बजट बता दें आपको करीब 50 करोड़ है, और देश भर में इसे 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। इस फिल्म में आयुष्मान के अलावा जितेंद्र कुमार, गजराज राव, नीना गुप्ता, मनु ऋषि चड्डा और सुनीता के अलावा मानवी हैं। इस फिल्म का निर्देशन हितेश केवलिया ने किया है। तो ऐसे में अगर आप भी दोनों में से कोई भी फिल्म देखकर आए हैं तो अपनी बात हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी है, आपके सुझावों का, आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार है। और इसके साथ ही देखते रहिए, जुड़े रहिए VH News के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, VH News।